कहाँ खेली। लाखेरी के इस स्टेडियम में आरएफ माइक दे दीजिए। लाखेरी के इस खेल स्टेडियम में आज हम नई आधारशिला रखने जा रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत एक इंडोर स्टेडियम की, ये जब मैं लाखेरी के अंदर घुसा और जिस तरीके का लाखेरी की जनता में उत्साह है, उमंग है, नौजवानों में जोश है कि अब लाखेरी में पढ़ने वाला नौजवान भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिभागी के रूप में प्रतियोगिता में भाग को ले गए। सही आरफ दे दीजिए। हेलो, तो वह खिलाड़ी भी अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर भाग भी ले सकेगा और आने वाले समय के अंदर लाखेरी का नाम खेल के अंदर भी जगमगाने का काम करेगा। ये लाखेरी एक वो इलाका है जहां अंग्रेजों के जमाने के अंदर उस समय सीमेंट फैक्ट्री बनी थी, जब आसपास बहुत कम कारखाने हुआ करते थे। उस समय सीमेंट फैक्ट्री बनी और सीमेंट फैक्ट्री बनने के बाद लोगों को लगा था कि आने वाले समय के अंदर लाखेरी इस जिले का सबसे विकसित शहर होगा। लेकिन फैक्ट्री तो बनी, लोगों को काम भी मिला, बच्चों ने अच्छी पढ़ाई भी की, अच्छे संस्कार भी प्राप्त किए, लेकिन उसके बाद जो लाखेरी का विकास होना चाहिए वो लाखेरी का विकास कहीं न कहीं अवरोधक हो गया। जब मैं लाखेरी में आता हूं तो मुझे लगता है कि यहां पर बहुत पोटेंशियल है, यहां पर्याप्त अवसर है और इस अवसर का लाभ यहां के लोगों को भी मिलना चाहिए और इस अवसर का लाभ लेते हुए यहां की जनता के लोगों को रोजगार रोजगार के साथ किस तरीके से आने वाले समय के अंदर हम लाखेरी को एक प्रमुख केंद्र बना सकें। मैं कल रामगंज मंडी गया था, वहां भी इसी तरीके का इंडोर खेल स्टेडियम कोई जमाने में किसी व्यक्ति ने शिलान्यास किया होगा, खेत में शिलान्यास कर दिया, न बाउंड्री वॉल थी न खेल का मैदान था, एक छोटा सा ढांचा बनाया जो भी ढह गया। लेकिन आज जब यहां पर मैं आया तो मुझे लगा कि इस खेल स्टेडियम के विस्तार की बहुत बड़ी संभावना है। यहां की बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल के बाद यहां की पहाड़ियां, यहां का सुंदरम क्षेत्र और आप सबने मिलकर अगर योजना बनाई तो केवल ये खेल स्टेडियम ही नहीं होगा, ये खेल स्टेडियम के साथ व्यक्ति के निर्माण का सबसे प्रमुख आध्यात्मिक और विकास का भी केंद्र होगा और इसलिए इसकी प्लानिंग अभी इसका प्रथम चरण है।
प्रथम चरण में इंडोर स्टेडियम बनेगा जिसमें बैडमिंटन खेल सकेंगे, जिसमें टेबल टेनिस, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, जितने भी इंडोर खेल के खेल है वो सारे के सारे इसमें खेले जाएंगे। क्योंकि कभी सर्दी होती है, कभी तेज बरसात होती है, कभी तेज गर्मी होती है, तो नए आधुनिक समय के अंदर अगर खिलाड़ियों को तैयार करना होगा तो इंडोर स्टेडियम किसी भी खेल मैदान की सबसे पहली आवश्यकता है। और इसका पहला प्रथम चरण बना है और जब अगला चरण जनवरी में कुछ नया परिवर्तन होगा राज्य और देश के अंदर, तो निश्चित मानिए आने वाले समय के अंदर इस खेल स्टेडियम को एक राष्ट्रीय स्तर का बेहतरीन खेल स्टेडियम बनाने की कार्ययोजना बनाएंगे, जिससे लाखेरी के आसपास के तमाम इलाके के लोग, नौजवान यहां पर तैयारी कर पाए। क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन के बाद भी नौकरी के अंदर भी हर नौकरी के अंदर कहीं न कहीं खिलाड़ियों को आरक्षण है। और अगर खिलाड़ी खेल के अच्छा खेलेगा, तन से स्वस्थ होगा, मन से स्वस्थ होगा, शरीर से स्वस्थ होगा, चरित्रवान होगा, देशभक्त होगा। आज के नौजवानों को सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उनके माता पिता उन नौजवानों को खेल के मैदान में भेजें। खेल में भेजने वाला खिलाड़ी के जीवन को आप अलग तरीके से देखेंगे कि उसके जीवन में बहुत अनुशासन आ जाता है, वो चरित्रवान बनता है, शरीर से हुष्ट पुष्ट बनता है और मस्तिष्क से भी तंदुरुस्त बनता है और ज्यादा बेहतरीन तैयारी कर ज्यादा कंपटीशन में जीतने का आत्मविश्वास उसमें पैदा होता है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक समय हम देखना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर, चाहे विश्व के अंदर, चाहे ओलंपिक के अंदर, चाहे एशियाड में, सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मेडल लेकर आए, ये भारत का लक्ष्य होना चाहिए। जितना बड़ा विशाल देश, विविध संस्कृति वाला देश, जीवंत लोकतंत्र वाला देश, और इस देश के अंदर खेल के मैदान के अंदर भी जब ओलंपिक का खेल हो तो भारत का सिरमौर ऊपर हो, एशियाड हो तो भारत का सिरमौर ऊपर हो, भारत का नौजवान उस देश के अंदर तिरंगा फहराकर अपनी ताकत और शक्ति का, साहस का, आत्मविश्वास का, भारत का गौरव उस देश में तिरंगे के साथ पहनाने का काम करे। ये सामर्थ्य हमें पैदा करनी है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर गांव के अंदर भी वो खिलाड़ी निकल सकता है जो दुनिया में नेतृत्व कर सकता है। और दुनिया के अंदर चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, वह सबके जीवन को आप पढ़ोगे तो कहीं न कहीं गांव की मिट्टी से पैदा हुए और गांव के अंदर अभाव में रहकर उन्होंने देश और दुनिया का नाम पैदा किया। जब अब्दुल कलाम आजाद की आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि एक मोमबत्ती में पढ़ने वाला, एक लालटेन में पढ़ने वाला, अभाव में रहने वाला नौजवान देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना और वैज्ञानिक के बाद राष्ट्रपति भी बना। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभाव के अंदर रही, उन्होंने एक शिक्षक के रूप में उस आदिवासी इलाके के अंदर उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया, खुद पढ़ी, विधायक बनी, मंत्री बनी,
महामहिम राज्यपाल बनी, अब महामहिम हमारी राष्ट्रपति है। इसीलिए ऐसा कभी विचार नहीं आना चाहिए कि गांव में रहने वाला, अभाव में रहने वाला व्यक्ति दुनिया के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया में वही आगे बढ़ सकता है जो अभाव और चुनौतियों से लड़ने की जिसमें साहस होगा, जिसने अभाव देखे होंगे, चुनौतियां देखी होगी और उन अभाव चुनौतियों से लड़ते हुए उसके समाधान करते हुए आगे बढ़ने का काम करेगा। और वह कहीं से अगर सीख सकता है तो खेल के मैदान में की सकता है और कहीं वो सीख नहीं सकता। और इसीलिए मैं निश्चित रूप से आग्रह करके कह सकता हूं कि इस वर्ष तो नहीं लेकिन 2024 के अंदर इसके बनने के बाद जो जमीन बचेगी उस जमीन में आपके साथ बैठकर प्लानिंग करेंगे। और मेरी इच्छा है कि ये एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बने। नौजवान भी आए, बुजुर्ग भी आए, उम्रदराज भी आए, सुबह यहां घूमे, योग करे, ध्यान करे, छोटी मोटी लाइब्रेरी और यहां पर पढ़े, छोटा मोटा रेस्टोरेंट बैठे वहां चाय पिए, खिलाड़ी सुबह यहां पर दौड़ता हुआ नजर आए, यहां का नौजवान बड़े स्विमिंग पूल की तरह यहां पर नदी के स्विमिंग पूल में भी नहाता नजर आए। ये सारी सुविधाएं यहां पर आने वाले समय के अंदर हम बनाएंगे। अभी नहीं, 2 साल बाद शुरू करेंगे। पहला एक पेज तैयार हो जाएगा, उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ ही नए पेज को शुरू करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। मैं लाखेरी में आता था तो लाखेरी के लोग कहते थे भाई साहब एक काम कर दो बस जिंदगी में, और कहीं भी कुछ काम नहीं मांगेंगे, एक काम के अलावा कभी करना। मैंने कहा क्या कि एक ट्रेन रुका दो, इस ट्रेन के अलावा कभी कोई काम नहीं मांगेंगे। वो एक ट्रेन रुकी तो दूसरी ट्रेन भी रुक दी। अब कह रहे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म भी ऊंचा हो जाएगा। आप कोई समस्या बताओ, हर समस्या का समाधान होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन होगा। मुझे याद है मैं 2014 से 19 तक जब सांसद था तो एक इंडोर स्टेडियम मांगने के लिए मैं मंत्री जी के बहुत चक्कर काटे। मैंने मंत्री जी एक इंडोर स्टेडियम दे दो, एक इंडोर स्टेडियम दे दो। मंत्री जी ने मुझे इंडोर स्टेडियम में, मंत्री जी हट गए शायद, अब 4 इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं। बूंदी में 20 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम बन रहा है, कोटा में 6 करोड़ का स्टार्टअप बन रहा है, 100 करोड़ की लागत से ज्यादा खेल के काम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में चल रहे हैं। तो आप निश्चित हो, समय का इंतजार करो, जितनी आप समस्याएं बताओगे, आप समस्या बताते हुए थक जाओगे, मैं समाधान करते हुए थकने वाला नहीं हूं। मेरा तो मन हमेशा यह रहता है कि दूर दराज के गांव में बैठा व्यक्ति भी अगर उसका जरा सा भी अभाव है तो उस अभाव में हम कैसे उसका अभाव दूर कर सकते हैं, यह हमारी मन की आकांक्षा है। समय जरूर लग सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि इस एक साल में सब करा दूंगा। कुछ 8-9 महीने इंतजार करने पड़ेंगे आपको, समय का इंतजार करो आप। एमएलए साहब भी विधानसभा में बोलती 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 थक गई, लेकिन क्योंकि प्रतिपक्षी विधायक है इसलिए सरकार सुनना नहीं चाहती। उन्होंने अपनी पीड़ा दर्ज कराई कि मैं भरपूर कोशिश करने के बाद मुझे एक कॉलेज मिल जाए, लगातार मांग करती रही, कॉलेज नहीं मिला। लेकिन एमएलए साहब, वक्त सबका एक साथ नहीं होता, वक्त समय बदलता है और बदलते समय का इंतजार हम कर रहे हैं। जब एक कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र हर क्षेत्र के अंदर आदर्श होगा, हर क्षेत्र के अंदर आदर्श होगा, जहां का बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेगा, हर व्यक्ति का इलाज होगा, हर बच्चा स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाला बच्चा है
उस सारे बच्चों को दो महीने बाद सबकी जांच कराएंगे ताकि कोई प्रारंभिक जीवन में कोई बीमारी हो तो उसका इलाज भी निःशुल्क करा सके ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, हमारी बुजुर्ग पीढ़ी स्वस्थ रहे। इसलिए मोबाइल वैन चल रही है, गांव गांव में जाती है, जांच करती है, जो कुछ भी कमी आती है उसका इलाज कोटा में, जयपुर में, दिल्ली में कराते हैं। हमारी गर्भवती महिला जो अभाव में गरीब है लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे उसके सारे जीवन को तन मन को समर्पण कर देती है, ऐसी गर्भवती महिला को भी 11 महीना भोजन देकर उस गर्भवती महिला का होने वाला बेटा भी स्वस्थ हो और वह भी स्वस्थ रहे। ऐसे बहुत सारे अभियान हैं, इन सारे सामाजिक अभियानों को आप सबके सहयोग से मिलकर चलाना है। हमारा कोशिश होना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता की कोशिश होना चाहिए कि आपके पास कोई गरीब व्यक्ति अगर कुछ बात कहने आया है तो उसकी गंभीरता से सुनना और कैसे उसका समाधान होना है उसका प्रयास करना। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, होगा न हम थकेंगे न निराश होंगे, हम तो चलने वाले कार्यकर्ता हैं। जब तक समस्या का समाधान न हो हम लड़ते रहेंगे, समस्या का समाधान करते रहेंगे। और इसीलिए मैं कार्यकर्ताओं से कहता हूं, कई बार कार्यकर्ता थक जाते हैं, भाई साहब बहुत बार एप्लीकेशन दे दी अभी कुछ हुआ नहीं। थकने की आवश्यकता नहीं, एक बोर्ड लगा के रखो, समस्या का अंतिम पड़ाव आप हो, आज नहीं कल उस समस्या का अंतिम पड़ाव आप रहे। ये विश्वास उस क्षेत्र की जनता का होना चाहिए, हम सब मिलकर उस विश्वास को पैदा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।